नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, आज हम आपके बीच बात करेंगे नेप्रोसिन प्लस। साथियों, नेप्रोसिन D500 भी आता है, नेप्रोसिन प्लेन आता है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे नेप्रोसिन प्लस टैबलेट। साथियों, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन की नेप्रोसिन 500 प्लस टैबलेट होता क्या है। साथ ही साथ इसके कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, डोजेस एंड हाउ टू वर्क नेप्रोसिन प्लस इन द बॉडी। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इंट्रेक्शन, प्रिकॉशन, वार्निंग, MRP की बात करेंगे। साथियों, नेप्रोसिन 500 प्लस इज ए पेन रिलीविंग मेडिसन एंड इट इज यूज्ड इन रिलीफ फ्रॉम पेन। कहने का मतलब है शरीर में किसी तरह का दर्द है, इन्फ्लामेशन है, जैसे कि इन्फ्लामेशन इन कंडीशन लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और गॉट। गॉट मतलब गठिया। तो हाथ पैर जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जेरियाटिक रिकवरी, ओल्ड एज जो हो जाते हैं उनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, उसमें इस्तेमाल करने वाली दवा है। साथ ही साथ जो है जुवेनाइल आर्थराइटिस, और ये क्या करता है साथियों, मसल्स और ज्वाइंट पेन होते हैं उसमें भी आराम देता है। साथ ही साथ सर का दर्द है उसमें भी जो है नेप्रोसिन प्लस 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। दांतों में दर्द है, नेप्रोसिन 500 प्लस उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मेनस्ट्रुअल क्रैम्प्स, कहने का मतलब है महिलाओं में मासिक धर्म आता है उस समय बहुत पेन होता है, तो ऐसे पेन में जो है नेप्रोसिन 500 प्लस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे। साथियों, कंपोजिशन की बात करेंगे तो नेप्रोसिन सोडियम USP 550, कहने का मतलब है 550 mg इसके अंदर होता है। साथियों कंपोजिशन सभी का सेम होता है, ब्रांड नेम अलग अलग हो जाता है। साथियों, ये नेप्रोसिन प्लस 500 टैबलेट जो है RPG लाइफ साइंसेस लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है और 15 टैबलेट की स्टेप आती है मार्केट में। साथियों, 68 रुपीज़ 95 पैसा इसकी MRP होती है, कहने का मतलब है 68 रुपये 95 पैसा की 15 गोलियां मिलती हैं। साथियों, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, नेप्रोसिन 500 इज यूज्ड फॉर पेन रिलीविंग और इन्फ्लामेशन में इस्तेमाल करी जाती है, जैसे कि कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, एंकाइलो स्पॉन्डिलाइटिस है, और जो है जुवेनाइल आर्थराइटिस है, गठिया हो गई है, पेन है मसल्स में, और पेनफुल जो है क्या होता है कि पीरियड्स आते हैं महिलाओं में। साथ ही साथ सर का दर्द है अगर किसी तरह का, ज्वाइंट पेन है, दांतों में दर्द है तो उसमें इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। साथियों, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये दवा है, इसके बहुत से इस्तेमाल हैं, बहुत से यूजेस हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। साथियों, साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको खाने से जो है छड़ी साइड इफेक्ट होता है, कभी कभी मरीज को जैसे इनडाइजेशन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, नोजिया हो जाता है, वोमिटिंग होता है, सर में दर्द होने लगता है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, कभी कभार जो है होंठों पे, जीभ पे जो है हल्की सी सूजन ऐसी आ जाती है। साथियों, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। साथियों, डोजेस की बात करेंगे तो डॉक्टर अपने हिसाब से इसका डोज एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग बीमारी के हिसाब से जो है इसका डोज है। अदरवाइज एडल्ट में एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम चलती है, जैसे आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या महिलाओं में पेन है, गठिया है, मसल्स पेन है, उसमें जो है एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को चलती है। साथियों, ये तो डोजेस हो गई, डायरेक्शन फॉर यूजेस की बात, वर्क कैसे करती है। साथियों, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो नेप्रोसिन 500 प्लस टैबलेट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवा है, कहने का मतलब है NSAID एंड इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स दैट कॉज पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। कहने का मतलब रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके जो है सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है और उससे जो है पेन और जो है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन रुक जाता है। इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, अगर कोई पहले से दवाई खाते हैं, बीमारी है, तो तुरंत बताएं ताकि डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई को लिख सके। जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल की अदर जो मेडिसन है, जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोपैरा, एस्पिरिन है, तो उनके साथ इस दवाई का सेवन ना करें। अगर ये खा रहे हैं तो उन दवाइयों को नहीं खाना है। और बीटा ब्लॉकर अगर हैं कोई ब्लड प्रेशर के, जैसे प्रोपानोलॉल है, लोसार्टन है, उसमें सेवन नहीं करना है। डायबिटिक दवा है जैसे फ्लूसीमाइड, उसमें इसका सेवन नहीं करना है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अगर खा रहे हैं, फिनटॉइन, तो उसके साथ इसका जो है सेवन नहीं करना है। शुगर की दवा अगर कोई चल रही है तो डॉक्टर को पूछने के बाद ही दवा खाएं। और GIT डिस्टर्बेंस है या अस्थमा है या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक खा रहे हैं या उसका किसी तरह का सेवन कर रहे हैं,
तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इंट्रेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। साथियों, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ड्राइविंग, एल्कोहल, कहने का मतलब इसमें इस दवाई का सेवन नहीं करना है। प्रिकॉशन एंड वार्निंग है साथियों, तो इसीलिए डॉक्टर से ही सलाह से इस दवाई का सेवन करें साथियों। और जो है इसकी MRP 68 रुपीज़ 95 पैसा है। या पहले किसी पेशेंट ने अगर इस कंपोजिशन की दवाई खाई है, तो कहने का मतलब है नेप्रोसिन 500 mg टैबलेट, जो इसमें नेप्रोक्सिन सोडियम है, अगर वो एंटी एलर्जिक है तो उसको इस दवाई का सेवन नहीं करना है पेशेंट को, क्योंकि यही इसका जो है प्रिकॉशन एंड वार्निंग है। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।